नमस्कार साथियों, अगर आप भी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अभी कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं तो आपने कहीं ना कहीं उत्कर्ष क्लासेज के जो 10 मॉडल पेपर हैं उनके बारे में सुना होगा। तो अब आपके मन में है क्वेश्चन है वो आ रहा होगा कि ये उत्कर्ष क्लासेज के मॉडल पेपर इनको ले या फिर नहीं ले, इसको कैसे खरीदे, बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। ये जो आपकी है ना उत्कर्ष क्लासेज के 10 मॉडल पेपर, इनको क्यों ले, इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है, आप देख सकते हो यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेज के 10 मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर कितने मिलेंगे, पहली बात तो 10 मॉडल पेपर है वो मिलने वाले, ठीक है। अब मैं आपको पहले कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि 10 मॉडल पेपर आपको किताब में नहीं मिलने वाले, सिर्फ 5 मिलेंगे और 5 आपको उत्कर्ष क्लासेज का जो ऐप है उसमें है वो मिलने वाले हैं। 5 तो आपको जो बुक दी जाएगी उसमें मिलेंगे, ठीक है, और 5 उत्कर्ष क्लासेज के ऐप में, मतलब कुल मिलाकर आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। और किताब है ना पूरी होगी, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे डायस्वर आती है ना, संजीव है, एक्सीलेंट है, उनमें तो क्या होता है संस्कृत की अलग डायस्वर, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग आ गई, साइंस की अलग आ गई, सोशल साइंस की अलग आ गई, हिंदी की अलग आई, ऐसा सा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि भाई इस डायस्वर जो आपकी ये बुक होती है ना 10 मॉडल पेपर की उत्कर्ष क्लासेज की, ये आप को इसमें सारे के सारे मॉडल पर एक ही बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसे आसानी से वो कहीं पर भी ले जा सकते हो, ठीक है। मान लीजिएगा कहीं पर आप जा रहे हो कोचिंग वगैरह, है ना, तो आप एक बुक को आराम से वो ले जा सकते हो, बाकी सभी है ना साथ में वो नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये भी इसमें फायदा है वो होता है। और वीडियो सॉल्यूशन सहित भी मिलते हैं इसमें, वीडियो है ना जो कैसे, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप उत्कर्ष क्लासेज का जो ऐप है उसमें जाकर है वो देख सकते हो कि भाई मैं क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी, फिर आप उसको अलग से बैठकर है ना कॉपी में लेकर आप उसको नोट करोगे, मतलब उसका आंसर वगैरह आप लिखोगे तो आपकी बहुत ही ज्यादा है वो टाइम ही बचेगा, ठीक है। आपको किसी शिक्षक से मतलब पूछना नहीं पड़ेगा, अपने दोस्त से नहीं पूछना पड़ेगा, आप ऑनलाइन है वो देख सकते हो उत्कर्ष क्लासेस के ऐप से, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी प्रमोशन है वो नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई या फिर जो कि स्टूडेंट है उन्होंने कमेंट किया कि भाई इनके बारे में बताओ, उत्कर्ष क्लासेस का जो है ना मॉडल पेपर उनके बारे में बताए, ठीक है। तो ये आपको वीडियो सॉल्यूशन, ये भी बहुत मेरे को अच्छा पॉइंट है यहाँ पर लगा कि भाई इसमें वीडियो भी मिलते हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हमको ये मॉडल पेपर समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स में ज्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट को और इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे परेशानी होती है, तो वीडियो सॉल्यूशन सही भी आपको मिलते हैं। कहाँ पर देखना वीडियो, तो उत्कर्ष क्लासेज के ऐप में मिलेगा, ठीक है। और ऑल इन वन, यही भी मैंने बता दिया है कि अभी सभी सब्जेक्ट आपको एक में मिलेंगे, ठीक है। और ये किसके द्वारा तैयार की गई, जो उत्कर्ष क्लासेज में जो मास्टर है, अध्यापक है वो पढ़ाते हैं ना, उन्हीं के द्वारा है वो तैयार कराया गया है, ठीक है। साइड में मैं आपको फोटो भी है वो दिखा दूंगा, उत्कर्ष क्लासेज का 10 मॉडल पेपर, ठीक है। और बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर भी इसमें दिया गया है, ठीक है। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है ना जो ब्लू प्रिंट होता है, ब्लू प्रिंट के जस्ट बाद है ना, अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर भी सॉल्यूशन है वो करवाए गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा अगर आप 10वीं में पढ़ते हो, ठीक है। मॉडल पेपर होता है ना उसमें जो बोर्ड द्वारा जारी होता है ना उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन है रिपीट है वो होते हैं 100%, ठीक है। अब देखिएगा आगे, देखिए एक बात मेरे को और भी अच्छी लगी कि लगभग इसमें ना 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने प्रश्न है 3000 महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न है ना सभी प्रश्न है, जैसे वस्तु भी प्रश्न है, रिक्त स्थान भी है, अति लघुत्तम प्रश्न भी है इसमें, ठीक है, सारे प्रश्न है और ब्लू प्रिंट पर भी आधारित है, ठीक है। काफी सारी ऐसी जो होती है ना बुक ऑल इन वन होती है ना उसमें ऐसा बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, ठीक है, और ब्लू प्रिंट पर आधारित है बिल्कुल नहीं होती है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो उत्कर्ष क्लासेज की जो मॉडल पेपर की जो बुक है उसमें ये बिल्कुल है पॉइंट है वह है कि आपका ब्लू प्रिंट पर आधारित है, ठीक है। अब देखिएगा मेन मुद्दे की बात आती है कि पैसा कितना लगेगा, अरे पैसा मत सोचो, ठीक है, पैसा बिल्कुल नहीं सोचना, इसमें कीमत है बहुत ही कम है, 120 रुपये, मात्र 120 रुपये आपके लगने वाले हैं, ठीक है। पिछले साल तो इससे भी कम लिए थे स्टूडेंट से, ठीक है, पहली बार लॉन्च हुई थी, अब ये दूसरी बार ऐसा है, ठीक है। तो 120 रुपये ज्यादा है वो नहीं है, और ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेज के ऐप से आप इसे परचेज है वो कर सकते हो, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेज का जो ऐप है उसका लिंक मैं जाता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका ही भला होगा, मेरा तो यहाँ पर कोई भी भला है वो नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप बार बार लिंक को ढूंढोगे, ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ज्यादा नहीं है, ऐप भी 20 MB का है, ठीक है। हाँ, तो यही कुछ विशेषता थी, और मेरे ख्याल से ये आपको बुक है वो खरीदनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई भी संजीव जैसे ले ली है ना,
तो ऐसा मत करो कि भाई दोनों डैश वर्क लेना है ना, दोनों नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, आपको एक ही लेनी है, ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिया है, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर भी इसमें दिया है, ऑल इन वन है, वीडियो ये सॉल्यूशन साइट, ये मेरे को बहुत ही अच्छा पॉइंट इसमें लगा है कि भाई वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, और तो कुछ नहीं है, ₹120 की है मात्र, ठीक है। हाँ, और 3000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला पॉइंट ये मेरे को अच्छा लगा, दूसरा ये देगा, ठीक है, 3000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। और बाकी आपके हो गए कि भाई हमको पीडीएफ दे दो, पीडीएफ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उत्कृष्ट क्लासेज के जो टीम है उनके द्वारा बहुत ही मेहनत से बनाई गई, हम ऐसे कैसे पीडीएफ में आपको फ्री है वो दे दे, ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आप अगर कहीं से भी पीडीएफ ले लोगे है ना तो 2 दिन पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पढ़ोगे, फिर ना इंस्टाग्राम वगैरह वो चला लोगे, ठीक है, तो आपको पीडीएफ वगैरह वो नहीं लेना है, ठीक है, इससे टाइम बर्बाद होता है आपको, है ना, इससे अच्छा तो बुक ले लेनी है, उसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।